दोस्तों, इंटरनेट तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे होती है? कैसे हमारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो हमको कुछ डेटा प्लान्स के जरिए हमको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, और असल में इंटरनेट का खर्चा कितना होता है? तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। आप ज़रूर ये वीडियो को पहले से लेकर एंड तक देखते रहिए। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को आईडी स्टूडेंट्स पे, आइए जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप सिर्फ एक सवाल अपने आप को पूछिए कि ये जो इंटरनेट है हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं। देखिए, हमारे पास एक स्मार्टफोन होता है, आसपास जो भी नियरेस्ट टावर होता है उससे हम सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं और इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोचिए, वो जो टावर है वहां से केबल्स जो है कहीं ना कहीं पे केबल्स तो जाती होंगी जरूर। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ पूरी तरह वो जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए, अलग अलग लेवल के ISPs होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। लेवल वन मतलब Tier 1, फिर Tier 2, फिर Tier 3। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए, यहाँ पे आप google.com को टाइप कर रहे हो, आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो गूगल सर्वर के साथ। गूगल सर्वर तो US में मौजूद है, तो यहाँ पे आप कैसे US के सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हो? तो देखिए, यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा जो कि आपको केबल्स के मदद से, जो कि गूगल में सर्वर मौजूद है, वहां तक कनेक्ट करवाएगा आपको। और वो कैसे कनेक्ट कर सकता है? समुंदर, हर जगह समुंदर है ना, तो अंडर सी, समुंदर के अंदर से केबल्स जाती हैं, बिछाई जाती हैं, और वहां आपको कनेक्ट किया जाता है गूगल सर्वर के साथ। और ये जो काम करता है ये है Tier 1 ISP। तो ऐसे बहुत सारे Tier 1 ISPs होते हैं जो कि समुंदर के अंदर केबल्स बिछाते हैं, उसके बाद आपको कनेक्ट करते हैं कोई एक ऐसे सर्वर के साथ जो कि बाहर मौजूद होगा, फॉरेन कंट्री में मौजूद होगा। तो यहाँ पे देखिए, इनको Tier 1 ISPs बोला जाता है। तो ऐसे अलग अलग Tier 1 ISPs होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में है टाटा कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे ये इंडिया में अलग अलग जगह पे लैंडिंग स्टेशन होते हैं। तो वो लैंडिंग स्टेशन की मदद से बहुत सारी तारे जो है वो अंडर सी, फॉर एग्जाम्पल मुंबई में अंडर सी, वहां से तारे जो है बिछाई जाती है और कनेक्ट की जाती है दुनिया भर में अलग अलग सर्वर्स के साथ। तो Tier 1 ISPs इंटरनेट को शुरू करते हैं, और वो एज सच आपस में कुछ पैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही इंटरनेट शुरू होती है और वहां पे वो हर जगह पे केबल्स जो है वो बिछाती हैं। अब आते हैं Tier 2 के पास, Tier 2 ISP, फॉर एग्जाम्पल वोडाफोन। अब वोडाफोन के पास सबमरीन केबल्स नहीं है, समुद्र के अंदर वो केबल्स नहीं बिछाए हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, Tier 1 ISP के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हम आपको पर GB के अनुसार कुछ पे करेंगे, आप हमको सबमरीन केबल के जरिए कुछ बैंडविड्थ हमको दे दो, कनेक्ट करवा दो अलग अलग लोकेशन के साथ, तो हम आपको पे करेंगे। अब Tier 2 के पास आ गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे वोडाफोन मैंने आपको बताया है। अब कुछ होते हैं Tier 3 ISP। Tier 3 मतलब जो लोकली आप देखोगे, जैसे कि हाथवे। अब हाथवे क्या करता है, वो Tier 2 के पास जाएगा, Tier 2 को बोलेगा कि आप मुझे कुछ यहाँ पे बैंडविड्थ दे दो, आप मुझे कुछ GB दे दो, पर GB के अनुसार मैं भी आपको पे करूंगा, और वहां से आप तक इंटरनेट को पहुंचाया जाता है अगर आपके लोकलिटी में हाथवे है। तो हाथवे कैसे आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, वो Tier 2 से इंटरनेट को खरीदता है, Tier 2 Tier 1 से इंटरनेट को खरीदता है। और ये जाहिर सी बात है कि Tier 2 जिस रेट से Tier 1 से खरीदा है, थोड़े से ज्यादा रेट में वो बेचेगा Tier 2 को, ताकि मुनाफा भी वो कमाए। तो इसलिए अलग अलग डेटा प्लान्स आपको मिलते हैं और आपको पैसे पे करना होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इंटरनेट फ्री होता है, सिर्फ मेंटेनेंस और कनेक्शन के लिए जो पैसा जो है खर्च होता है वहां पे, लेकिन जो सबमरीन केबल्स बिछाई जाती है जो Tier 1 के ISPs होते हैं उनको इंटरनेट फ्री पे मिल जाता है और आसानी से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं सीधे सीधे आपको मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया भर में इंडिया से कहाँ कहाँ केबल्स बिछाई गई है और कौन कौन सी कंपनी ये बिछाती है और जो मेन लैंडिंग स्टेशन कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप सर्च कीजिए, एक वेबसाइट है सबमरीन केबल मैप, ठीक है, ये सर्च करना। तो यहाँ पे आप देखिए पूरी की पूरी, यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो, वर्ल्ड मैप को आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात ले यहाँ पे, तो देखिए इंडिया में जो सबमरीन केबल्स है, यहाँ पे देखिए मुंबई में है, यहाँ पे देखिए केबल्स बिछी हुई हैं पूरी तरह। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो चेन्नई में भी है, फिर आप देख सकते हो पौंडीचेरी में भी है, त्रिवेंद्रम और यहाँ पे कोचीन, तो ये देख सकते हो। तो सपोज यहाँ पे हमको कनेक्ट करना है UAE सर्वर के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केबल्स बिछी हुई है, तो यहाँ पे जा सकती हैं जो भी सिग्नल है।
इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे चांसेस ये भी है कि केबल्स जो है वो कट जाए या फिर कुछ ना कुछ खराबी आ जाए केबल्स में। तो देखिए केबल्स तो पहली बात, जो केबल्स बनी हुई होती है तो केबल्स में अलग अलग लेयर्स होते हैं, लगभग 7 लेयर्स होते हैं, वो स्टील से बनी हुई होती है। इसके अलावा वो उसमें पॉलीथिलिन भी लगी हुई होती है एंड वहाँ पे 7 अलग अलग लेयर्स होते हैं, कॉपर एल्युमिनियम अलग अलग चीज़ें होती है। तो सपोज़ शार्क वगैरह, अंडर सी शार्क बहुत सारे होते हैं, तो अगर वो काट भी लेते हैं तो जो ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत अंदर होते हैं, 7 लेयर्स के बाद आपको देखने के लिए मिलते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। तो चांसेस बहुत कम है वो कटने का। फिर भी बहुत सारे ऐसे बैकअप के लिए बहुत सारी केबल्स बिछी हुई हैं अंदर ही, जहाँ पे भी ये डैमेज होती हैं वो केबल्स, तो वहाँ पे शिप जाती है और उसके बाद उसको ठीक करके आती है। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए, सपोज यहाँ पे यूएई सर्वर में आपको कनेक्ट करना है तो एक रूट तो यहाँ पे है, और उस रूट में अगर कुछ भी खराबी आती है तो अलग रूट से भी वहाँ पे जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोचिन से भी हम यहाँ तक जा सकते हैं। तो इसलिए उसको फिक्स करने के अंदर भी अलग अलग रूट के जरिए हम जा सकते हैं। वैसे गूगल सर्वर के साथ हमको अगर कनेक्ट करना है, एक रूट में अगर कुछ भी खराबी आती है तो दूसरे रूट से भी वहाँ पे हम जा सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें होती है, और अंदर भी बहुत सारे टावर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिछे हुए होते हैं यहाँ पे। तो पहले डेटा जो है वो पहले इस लैंडिंग स्टेशन पे आते हैं, जो Tier 1 ISPs जो केबल्स बिछाए रहते हैं, फिर वहाँ से इंडिया के अंदर आता है। तो जो भी हैथवे है Tier 3 ISP, वोडाफोन Tier 2 ISP, तो वो यहाँ से खरीदते हैं। तो ये आप देख सकते हो पूरी की पूरी दुनिया में जहाँ पे भी है हर जगह पे केबल्स बिछी हुई है, आप चेक कर सकते हो ये वेबसाइट में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर Tier 1, Tier 2, Tier 3 ISPs के बारे में पता चला है, आपको पता चला है इंटरनेट कैसे सबमरीन केबल्स के जरिए इंडिया तक पहुंचती है। अगर ये वीडियो मेरे आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। मैं इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियोज लाता रहूंगा, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।